ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆମେ ବାର ବାର ରିପିଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛେ ତ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ରେକର୍ଡ ରେକର୍ଡକୁ କୁହାଯିବ ମାକ୍ରୋ ବୋଲି କୁହାଯିବ। ରେକର୍ଡିଂ କାପାସିଟିଟାକୁ ଆମେ କହିବା ମାକ୍ରୋ ବୋଲି କହିବା। ମାକ୍ରୋଟା କ'ଣ ଆଗ ଦେଖ, ତାପରେ फ्रेंड्स ये सेक्शन पूरा मैक्रो से रिलेटेड है। मैक्रो तो नाम माइंड में आते है, बात माइंड में आती है कि कुछ कोडिंग से रिलेटेड बात होगी, बट फ्रेंड्स बिलीव मी इस सेक्शन के अंदर मैं ज्यादा कुछ आप लोगों से कोडिंग के बारे में बात नहीं करने वाला। राइट, मैं मान के चल रहा हूं कि हम लोग जो है जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं, दे आर नॉन कोडर्स। लाइक कोडिंग का कोई आइडिया नहीं, मैं अज्यूम कर रहा हूं कि कोडिंग का कोई आइडिया नहीं है। तो क्वेश्चन आता है कि क्या विदाउट कोडिंग भी मैक्रो बनाए जा सकते हैं? तो आंसर है यस, बिना कोडिंग के भी बहुत बढ़िया मैक्रो बनाए जा सकते हैं। राइट, इफेक्टिव मैक्रोस आप विदाउट कोडिंग बना सकते हैं, और वही सारी टेक्निक्स मैं आप लोगों के साथ इस सेक्शन कवर करने वाला हूं कि अच्छे मैक्रो की रिक्वायरमेंट क्या है। राइट, एंड देन मैक्रो कैसे रिकॉर्ड करने हैं, तो हम लोग रिकॉर्डिंग के थ्रू करेंगे। राइट, रिकॉर्डिंग के थ्रू करेंगे, तो अच्छे मैक्रो रिकॉर्ड कैसे करने हैं, उसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगे, उनको सॉर्ट आउट कैसे करना है। राइट, वो सारी चीजें मैक्रो रन करने के लिए बटन कैसे क्लिक करते हैं, या क्या डिफरेंट मेथड्स हो सकते हैं मैक्रो रन करने के लिए। राइट, मैक्रो की एडिटिंग कैसे करनी है। राइट, थोड़ा सा कोडिंग में लेके जाऊंगा, मैक्रो की एडिटिंग में लेके जाऊंगा, और आपको ट्राई करूंगा बताने का, आज आपके अंदर से फियर निकालने की कोशिश करूंगा कोडिंग का। राइट, प्लेन इंग्लिश लिखी होगी फ्रेंड्स, बिलीव मी प्लेन इंग्लिश। राइट, मैक्रो की एडिटिंग कैसे करनी है, डीबगिंग कैसे करनी है। राइट, तो ये सारा कुछ मैं आप लोगों के साथ इस सेक्शन के अंदर डिस्कस करने वाला हूं। तो फ्रेंड्स आई होप ये सेक्शन आप लोग पूरा पूरा एंजॉय करेंगे। वेलकम, मैक्रोटा केमिति रेकॉर्डिंग ऑफ मैक्रो रो किछ अछि कोडिंग अछि माने बिना कोडिंग वाला, तो हमें बिना कोडिंग वाला प्रथम तो डिस्कस करियो। ତମେ ମାକ୍ରୋଟାକୁ ବନେଇବାକୁ ହେଲେ ତମର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟଟାକୁ ମାକ୍ରୋ ହିସାବରେ ପ୍ରିପେୟାର କରିବାକୁ ପଡିବ, ବିନା ପ୍ରିପାରେସନ ମାକ୍ରୋ ହବନି, ତ ମାକ୍ରୋ ଏଠି ବନେଇବାକୁ ପଡିବ। ଦେଖ ଏକ୍ସେଲ ସିଟ୍ଟାକୁ ପ୍ରଥମେ ମାକ୍ରୋ ସହିତ ଏନାବଲ୍ଡ ହେଇକି ନଥାଏ, ତ ପ୍ରଥମେ ତମ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟଟାକୁ ମାକ୍ରୋ ହିସାବରେ ମାକ୍ରୋ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର କରିବାକୁ ପଡିବ। सबसे पहले बात करते हैं कि किसी भी मैक्रो को बनाने के लिए, रिकॉर्ड करने के लिए हमें क्या क्या प्रिपरेशन करनी है। तो फ्रेंड्स हमें दो तरह की प्रिपरेशन करनी है, दो तैयारियां करनी पड़ेगी पहले से।
जो पहली प्रिपरेशन है वो ये है कि मेरे को अपने एक्सेल में ये डेवलपर टैब चाहिए, राइट, एक डेवलपर टैब चाहिए। अब ये डेवलपर टैब कहाँ से आएगा, ये मैंने फाइल में जो फाइल आपने डाउनलोड किया है यहाँ पर मैंने दे दिया है आपको, फाइल में जाना है, ऑप्शंस में जाना है, ऑप्शंस में कस्टमाइज रिबन, डेवलपर का ऑप्शन आएगा राइट हैंड साइड पे, वहां चेक करना है मुझे, टिक करना है और ओके करना है। मैं एक बार आपको दिखा देता हूं, तो गो टू फाइल, गो टू ऑप्शंस, राइट, गो टू ऑप्शंस, और ऑप्शंस में जाने के बाद मुझे क्या करना है, ऑप्शंस में जाने के बाद मुझे कस्टमाइज रिबन, यहां कस्टमाइज रिबन में जाना है और यहां पर ये डेवलपर टैब आपके केस में अनटिक होगा, आपको ये टिक करना है एंड देन क्लिक ओके, और जब आप ओके पे क्लिक करेंगे डेवलपर टैब आपके पास आ जाएगा। तो ये तो नंबर वन सेटिंग है जो कि आपको वन टाइम अपने एक्सेल में अपने सिस्टम में करनी है, राइट, इसको बार बार करने की जरूरत नहीं है। सेकंड, जब भी मैं जिस भी फाइल में मैक्रो बनाना चाहता हूँ या मैक्रो रिकॉर्ड करना चाहता हूँ, राइट, उस फाइल में मेरे को क्या करना है, उस फाइल को मुझे XLSM फॉर्मेट में सेव करना है, राइट, किस फॉर्मेट में सेव करना है, XLSM फॉर्मेट में, राइट, XLSM फॉर्मेट में। मेरी फाइल अगर आप ऊपर देखें, ये देखो ये फॉर्मेट है XLSM, फाइल का बताऊं मैं XLSM फॉर्मेट में स्टोर करिए, ऑलरेडी XLSM फॉर्मेट में होता क्या है फ्रेंड्स, जब भी हम फाइल को ओपन करते हैं बाय डिफॉल्ट मेरी एक्सेल की फाइल का जनरली मेरी फाइल का जो फॉर्मेट होता है वो क्या होता है, XLS या F, यदि शॉर्टकट की अछि मैक्रोटा को व्यू करिया पे ऑल्ट F8 मारिया, मैक्रो को जीवा पे F8 में मारि पे XLSX, right? इन दोनों में से कोई भी फॉर्मेट मिलेगा आपको, बट फॉर रिकॉर्डिंग मैक्रो मेरी फाइल हमेशा XLSM फॉर्मेट में होनी चाहिए। XLSM फॉर्मेट जो है वो मैक्रो सपोर्टेड है। फ्रेंड्स बहुत ब्लंडर होते हैं कई बार इस चीज के लिए, लोग क्या करते हैं अपनी अपना मैक्रो बनाते हैं, सारा काम कर लेते हैं, बट उस फाइल को XLSM फॉर्मेट में सेव करना भूल जाते हैं, राइट, और उसके बाद जब मैं अपना सारा काम कर चुका होता हूँ, मैक्रो बना चुका होता हूँ, मैक्रो रिकॉर्ड हो जाएगा, उसमें मैक्रो बन जाएगा, वो रुकेगा नहीं आपको, पर जब आप फाइल को बंद करेंगे सेव करेंगे उस टाइम पे तो वो आपको एक अलर्ट देगा, और जनरली हम लोग क्या करते हैं, अलर्ट को ध्यान से पढ़ा नहीं हमने और उसको स्किप कर दिया, ओके कर दिया और हम आगे बढ़ गए, जबकि वो अलर्ट वही था, वो हमें बता रहा था कि इसके अंदर मैक्रो है और आपकी फाइल मैक्रो इनेबल्ड नहीं है, राइट, और वो आपको अलर्ट दे रहा था, आपको बता रहा है कि आपको XLSM में फाइल सेव करनी है, बट जनरली हम लोग उसको अवॉइड कर देते हैं और राइट, और हम ओके करके आगे बढ़ जाते हैं। उसके बाद होता क्या है, नेक्स्ट टाइम व्हेनेवर हम लोग अपनी फाइल को ओपन करेंगे, व्हेनेवर वी विल ओपन आवर फाइल, वो क्या होगा, मैक्रो गायब मिलेगा आपको उसमें, राइट। तो फ्रेंड्स बहुत बार ये ब्लेंडर होते हैं, प्लीज ये ब्लेंडर नहीं करना है, अपनी फाइल को इन दो सेटिंग को हमें जरूर कर लेना है, एक तो डेवलपर वन टाइम सेटिंग, और जब भी मैं फाइल पे काम करूंगा मेरे को उसको XLSM फॉर्मेट में सेव कर लेना, राइट, बुझेला कौन करिया पड़ियो फर्स्ट चलो आउ थरे वीडियोटा प्ले करिबो अधारो मोर ठीक से साउंड हर का आसु मतलब आउ थरे टिके प्ले कर फ्रेंड्स। सबसे पहले बात करते हैं कि किसी भी मैक्रो को बनाने के लिए रिकॉर्ड करने के लिए हमें क्या-क्या प्रिपरेशन करनी है। तो फ्रेंड्स हमें दो तरह की प्रिपरेशन करनी है, दो तैयारियां करनी पड़ेगी पहले से। जो पहली प्रिपरेशन है वो ये है कि मेरे को अपने एक्सेल में ये एक डेवलपर टैब चाहिए, राइट, एक डेवलपर टैब चाहिए। अब ये डेवलपर टैब कहाँ से आएगा, ये मैंने फाइल में जो फाइल आपने डाउनलोड किया है यहाँ पर मैंने दे दिया है आपको, फाइल में जाना है, ऑप्शंस में जाना है, ऑप्शंस में कस्टमाइज रिबन, डेवलपर का ऑप्शन आएगा राइट हैंड साइड पे, वहां चेक करना है मुझे, टिक करना है और ओके करना है। मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, गो टू फाइल, गो टू ऑप्शंस, राइट, गो टू ऑप्शंस, और ऑप्शंस में जाने के बाद मुझे क्या करना है, ऑप्शंस में जाने के बाद मुझे कस्टमाइज रिबन, यहाँ कस्टमाइज रिबन में जाना है और यहाँ पर डेवलपर टैब आपके केस में अनटिक होगा, आपको ये टिक करना है एंड देन क्लिक ओके, और जब आप ओके पे क्लिक करेंगे
डेवलपर टैब आपके पास आ जाएगा। तो ये तो नंबर वन सेटिंग है जो तो कि आपको वन टाइम अपने एक्सेल में अपने सिस्टम में करनी है, राइट, इसको बार बार करने की जरूरत नहीं है। सेकंड, जब भी मैं जिस भी फाइल में मैक्रो बनाना चाहता हूँ या मैक्रो रिकॉर्ड करना चाहता हूँ, राइट, उस फाइल में मेरे को क्या करना है, उस फाइल को मुझे XLSM फॉर्मेट में सेव करना है, राइट, किस फॉर्मेट में सेव करना है, XLSM फॉर्मेट में, राइट, XLSM फॉर्मेट में। मेरी फाइल अगर आप ऊपर देखेंगे ऑलरेडी XLSM फॉर्मेट में होता क्या है फ्रेंड, जब भी हम फाइल को ओपन करते हैं बाय डिफॉल्ट मेरी एक्सेल की फाइल का, जनरली मेरी फाइल का जो फॉर्मेट होता है वो क्या होता है, XLS या XLSX, राइट, इन दोनों में से कोई भी फॉर्मेट मिलेगा आपको, बट फॉर रिकॉर्डिंग मैक्रो मेरी फाइल हमेशा XLSM फॉर्मेट में होनी चाहिए। XLSM फॉर्मेट जो है वो मैक्रो सपोर्टेड है फ्रेंड्स। बहुत ब्लंडर होते हैं कई बार इस चीज के लिए, लोग क्या करते हैं अपनी अपना मैक्रो बनाते हैं, सारा काम कर लेते हैं, बट उस फाइल को XLSM फॉर्मेट में सेव करना भूल जाते हैं, राइट, और उसके बाद जब मैं अपना सारा काम कर चुका होता हूँ, मैक्रो बना चुका होता हूँ, मैक्रो रिकॉर्ड हो जाएगा, उसमें मैक्रो बन जाएगा, वो रुकेगा नहीं आपको, बट जब आप फाइल को बंद करेंगे सेव करेंगे उस टाइम पे तो वो आपको एक अलर्ट देगा। और जनरली हम लोग क्या करते हैं, अलर्ट को ध्यान से पढ़ा नहीं हमने और उसको स्किप कर दिया, ओके कर दिया और हम आगे बढ़ गए, जबकि वो अलर्ट वही था, वो हमें बता रहा था कि इसके अंदर मैक्रो है और आपकी फाइल मैक्रो इनेबल्ड नहीं है, राइट, और वो आपको अलर्ट दे रहा था, आपको बता रहा है कि आपको XLSM में फाइल सेव करनी है, बट जनरली हम लोग उसको अवॉइड कर देते हैं और, राइट, और हम ओके करके आगे बढ़ जाते हैं। उसके बाद होता क्या है, नेक्स्ट टाइम व्हेनेवर हम लोग अपनी फाइल को ओपन करेंगे, व्हेनेवर वी विल ओपन आवर फाइल, वो क्या होगा, मैक्रो गायब मिलेगा आपको उसमें, राइट। तो फ्रेंड बहुत बार ये ब्लेंडर होते हैं, प्लीज ये ब्लेंडर नहीं करना है, हमें अपनी फाइल को इन दो सेटिंग को हमें जरूर कर लेना है, एक तो डेवलपर वन टाइम सेटिंग, और जब भी मैं फाइल पे काम करूंगा मेरे को उसको XLSM फॉर्मेट में सेव कर लेना है, राइट। मुझे रात रहे हो एफएड मेले तुम्हारा मैक्रो टैग पूरा शो करे अबे देखियो आप पर वीडियो रे दो जी यस द प्रिपरेशन हे गला एबे हमें मैक्रो टैग को डिबग करिया बा रन करिया ने हाउ टू रिकॉर्ड ए मैक्रो माने केमति डॉक्यूमेंट गुडा का हमें रिकॉर्ड करिवा के लिए नहीं है, राइट, वी आर नॉट कोडर, हमें कोडिंग का बहुत ज्यादा आइडिया नहीं है, राइट,
हम लोगों को कोडिंग का नहीं पता है, बट यस आपने फंक्शन का बताया कि मुझे क्या करना है और मुझे एक्सेल में सारे फंक्शंस पता है, तो मैं क्या करूंगा, मैं तो उसको रिकॉर्ड कर लूंगा। जब मैं उसको रिकॉर्ड करूंगा तो उसके पीछे की जो कोडिंग है, उसके बैकएंड की जो कोडिंग है, वो एक्सेल खुद रिकॉर्ड करेगा कि ये कोड रन होगी, उसमें मुझे दिमाग नहीं लगाना, राइट। तो मुझे कैसे करना है फ्रेंड्स, रिकॉर्ड करने के लिए मुझे डेवलपर में जाना है। डेवलपर में जाके आपको मल्टीपल ऑप्शन मिलेंगे, बट यहाँ पे आपको मैक्रो रिकॉर्ड, ये रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक करना है, राइट। मैंने इस पे क्लिक किया, सबसे पहले मुझसे पूछ रहा है मैक्रो नेम। अब मैक्रो का नेम क्या है, नेम फ्रेंड्स कोई रेलिवेंट नेम देना है जिससे फ्यूचर में कभी मैं इस मैक्रो को रेफर करूँ तो मैं इजिली आइडेंटिफाई कर पाऊँ ये मैक्रो क्या काम करेगा। तो मैं इसको नाम दूंगा फॉर्मेटिंग। मैक्रो नेम में फ्रेंड्स कोई भी स्पेस नहीं होना चाहिए, आप डैश अंडरस्कोर या विदाउट इसके यूज कर सकते हैं, बट स्पेस एक्सेप्ट नहीं करें। शॉर्टकट की क्या होगी, शॉर्टकट की वो है जिससे आप इस मैक्रो को रन करना चाहते हैं। तो मल्टीपल वेज हो सकते हैं जो हम लोग बात करेंगे मैक्रो के रन करने के, बट उसमें से एक तरीका होता है शॉर्टकट की, राइट। अब शॉर्टकट की यूज करने के फ्रेंड कुछ फायदे भी है, कुछ नुकसान भी है। फायदा ये है कि जब भी आप इस मैक्रो को यूज कर पाए, सपोज मैं शॉर्टकट की बनाता हूँ कंट्रोल शिफ्ट ए, तो जब भी मैं कंट्रोल शिफ्ट ए अपने कीबोर्ड से प्रेस करूंगा स्पाइक को खोल के, मेरा मैक्रो रन हो जाएगा, राइट। इसका नुकसान ये है कि कंट्रोल ए एक बाय डिफॉल्ट शॉर्टकट की एक्सेल में है। सपोज कभी फ्यूचर में मैं कंट्रोल ए प्रेस करना चाहता हूँ, डेटा सेलेक्ट करना है, ये सारा मुझे डेटा सेलेक्ट करना है, तो कंट्रोल ए शॉर्टकट की है। मैं कंट्रोल ए प्रेस करना चाहता हूँ, पर गलती से कंट्रोल शिफ्ट ए प्रेस हो जाता है, राइट। मैं इस मैक्रो को रन नहीं करवाना चाहता था, बट वो मैक्रो रन हो गया। और प्रॉब्लम क्या होगी, मैक्रो एक बार रन हो गया रुकेगा नहीं, सारा काम करते रुकेगा, और पता चला वो ऐसे डेटा पे रन हो गया जिसपे मुझे रन ही नहीं करना था, और उसके अंदर मैंने ऐसी कमांड लिखी थी कि डेटा को डिलीट नहीं करवाना है, राइट। कुछ ऐसी फॉर्मेटिंग करवानी थी जो मेरे को इस डेटा पर नहीं करवानी है, तो उसने सब कर दिया, वो आपका डेटा खराब हो सकता है, राइट, ब्लंडर हो सकते हैं फ्रेंड्स। तो अगर मुझे शॉर्टकट की यूज करना ही है तो मैं बहुत केयरफुली करूंगा, ऐसी शॉर्टकट की बनाऊंगा जो जनरली मैं यूज नहीं करता, उसके मैचिंग की शॉर्टकट भी मैं जनरली यूज नहीं करता, ऐसा शॉर्टकट की, राइट। तो मैं अभी शॉर्टकट की यूज नहीं करूंगा, ये आपको इन्फॉर्मेशन दिएगा, अगर आप चाहें तो इसको यूज कर सकते हैं, राइट। स्टोर मैक्रो इन दिस वर्कबुक, अभी के लिए दिस वर्कबुक आपको रखना है, राइट। डिस्क्रिप्शन में आप यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं कि आपका मैक्रो एग्जैक्टली क्या काम करेगा, तो मैं इसमें लिख देता हूँ जैसे इट विल फॉर्मेट द डेटा रिसीव फ्रॉम सॉफ्टवेयर, और आप जो अपने मन से लिखना चाहें, मैंने एक बेसिक सी लाइन लिखी है, बट आप जो मर्जी लिखना चाहें वो आप लिख सकते हैं, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए, इसका मैक्रो के रन होने से कोई लेना देना नहीं है, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं, ओके। अब मेरे को क्लिक करना ओके पे, जैसे मैं ओके पे क्लिक करता हूँ फ्रेंड्स, ये स्टॉप रिकॉर्डिंग का ऑप्शन आ जाता है। पहले स्टार्ट रिकॉर्डिंग था, राइट, पहले रिकॉर्डिंग का ऑप्शन आता था मेरे पास, बट अब स्टॉप रिकॉर्डिंग का, स्टॉप रिकॉर्डिंग यानी कि अब मेरा मैक्रो जो भी मैं स्टेप फॉलो करूंगा फ्रेंड्स उसको रिकॉर्ड करेगा, वो एक एक स्टेप को रिकॉर्ड करेगा फ्रेंड्स। इवन मैं कहीं पर क्लिक भी करता हूँ, मैं स्क्रॉल करता हूँ ऊपर नीचे, जैसे आपको सेशन बताऊंगा कि अननेसेसरी जो स्टेप रिकॉर्ड हो गए हैं उनको कैसे आपको हटाना है, उनकी एडिटिंग कैसे करनी है, डीबगिंग कैसे करनी है, वो सारा हम लोग कवर करेंगे, बट फिर भी हमें ट्राई करना है कि कम से कम वो अननेसेसरी स्टेप रिकॉर्ड हो, राइट, आपकी एडिटिंग में टाइम बचेगा। तो फ्रेंड्स मुझे करना क्या है, अब मैं जो भी काम मैनुअली करता था एग्जैक्टली वही काम मैं मैक्रो रिकॉर्ड करते टाइप करूंगा, बट वन टाइम मैनुअली करूंगा, राइट। उसके बाद ये काम मैक्रो खुद करेगा। जैसे सबसे पहला काम फ्रेंड्स मुझे क्या करना था, एम्प्लॉय आईडी को सेंटर अलाइन करना, एम्प्लॉयर आईडी सेंटर लाइन करने की कॉलम ए मैंने सेलेक्ट किया और मुझे सेंटर लाइन करना है तो सेंटर लाइन कर दिया। अब मैक्रो रिकॉर्ड कर रहा है किसी चीज को, नेम, नेम मुझे लेफ्ट अलाइन चाहिए मैंने लेफ्ट अलाइन कर दिया, डिपार्टमेंट मुझे सेंटर लाइन चाहिए मैंने सेंटर लाइन कर दिया, ऑफिस लोकेशन मुझे कितनी, कोई लेफ्ट है कोई राइट है कोई सेंटर है, मुझे सारा सेंटर चाहिए मैंने सेंटर कर दिया, डेट ऑफ बर्थ मुझे सेंटर लाइन चाहिए और जो नंबर फॉर्मेट आ रहा है मुझे डेट ऑफ बर्थ फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, तो मैंने उसको सेलेक्ट किया और राइट क्लिक किया फॉर्मेट सेल। इस फॉर्मेट सेल में जाने के लिए शॉर्टकट की फ्रेंड से कंट्रोल वन, आप कंट्रोल वन भी कर सकते हैं, राइट। तो मैं यहाँ पर आया, कंट्रोल वन से भी आप डायरेक्टली यहाँ पर आ जाएंगे, राइट। एंड देन डेट, मैं डेट में गया, जो भी आपको पसंद आता है फॉर्मेट वो आप चूज कर सकते हैं, मैं ये वाला फॉर्मेट चूज कर लेता हूँ, ओके। एंड देन रेट पर आर, रेट पर आर मुझे चाहिए टू डेसिमल प्लेसेस तक, तो टू डेसिमल प्लेसेस तक जाने के लिए और भी वेज हो सकते हैं, बट एक बार शॉर्टकट लगाता हूँ, मैं कोमा पे क्लिक कर देता हूँ। तो कोमा क्या करेगा, दो काम करेगा, एक तो डेसिमल प्लेस आपको दो तक दिखाएगा, साथ में अगर ये आपका नंबर बड़ा होता तो थाउजेंड सेपरेटर के बीच में लगा देगा, नंबर के बीच में थाउजेंड सेपरेटर, तो ये देखिए ये हो जाता है, ठीक है जी, हो गया। और मुझे क्या करना है इसके अंदर, मुझे ए से लेकर
एफ तक A1 टू F1 सेलेक्ट करवाना है, ये सब मैक्रो रिकॉर्ड करवाना है राइट। मुझे उसको बोल्ड करवाना है, मैंने बोल्ड किया या कंट्रोल B भी मैं प्रेस कर सकता हूँ, कंट्रोल B शॉर्टकट की है बोल्ड करने के लिए ठीक है। उसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे जो इसके सेल्स के कलर है वो मेरे को कलर चाहिए, सपोज ये ब्लू राइट, डार्क ब्लू, तो डार्क ब्लू में सेलेक्ट किया। फॉन्ट का जो कलर है, मुझे फॉन्ट कलर ये वाला चाहिए राइट, व्हाइट, तो मैंने फॉन्ट का कलर व्हाइट कर दिया। और मुझे क्या चाहिए, कॉलम की जो विड्थ है, मुझे कॉलम की चौड़ाई जो है वो बढ़ानी है, तो मैंने कॉलम की चौड़ाई को थोड़ा सा बढ़ा दिया राइट, इतनी मेरे को चाहिए। और क्या चाहिए मुझे, जितना भी डेटा लिखा है मुझे उसमें एंड कर, यहाँ पर मुझे बॉर्डर चाहिए, तो मैंने बॉर्डर को सिलेक्ट किया और ऑल बॉर्डर ये मैंने कहा। और मैं चाहता हूँ कि जब मैक्रो रुके तो ऐसे जो सारा डेटा सिलेक्टेड है वो ना दिखे, A1 पे होना चाहिए सर, तो मैंने A1 पे क्लिक किया। जैसा मैं चाहता हूँ जब डेटा मेरा बन के आए, फॉर्मेट होके आए, तो वो ऐसी शक्ल का होना चाहिए, तो उसी शक्ल में मुझे छोड़ेगा राइट। इतना काम सपोज मुझे करना था, अभी बिल्कुल बेसिक के हिसाब से इतना सा काम रहा था, तो मैंने कर दिया इतना काम। इतनी फॉर्मेटिंग मुझे बार बार करनी होती है, दिन में 10 बार 20 बार करना होती है, मैंने एक बार किया रिकॉर्ड कर दिया, स्टॉप रिकॉर्डिंग, मेरे को अब काम खत्म हो चुका है, तो मैं अब इसको स्टॉप रिकॉर्डिंग कर दूंगा, मेरे को इतनी स्टेप फॉलो कर रहे रिकॉर्ड हो चुका है राइट। अब मान लो इस मैक्रो को एक बार टेस्ट कर लेते हैं, काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है प्रॉपरली, तो मैंने ये रो डेटा जिस पर काम किया था वो अलग शीट में ऑलरेडी रखा हुआ है, तो मैं इसको कॉपी कर लूंगा और वापस से यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा राइट, मेरा रो डेटा यहाँ पे पेस्ट हो गया। अब इसको टेस्ट करते हैं कि मेरा मैक्रो काम कर रहा है नहीं कर रहा है। तो फ्रेंड्स, मैक्रो रन करने के मल्टीपल वेज है, जिसमें एक तरीका मैंने आप लोगों को बताया शॉर्टकट की, अगर मैं कंट्रोल शिफ्ट ए, वो जो मैं बना रहा था उस टाइम पे आपको बताते कर रखता, तो मैं सिंपली कंट्रोल शिफ्ट ए प्रेस करके शॉर्टकट की क्रिएट कर सकता था, नंबर वन। नंबर टू, आप क्या कर सकते हो, आप मैक्रो में जाओगे और मैक्रो में जाने के बाद आप क्या करोगे, आपको जितने भी मैक्रो इस फाइल के अंदर आपने क्रिएट किया, जरूरी नहीं है कि मैक्रो बनाओगे, अलग अलग काम के लिए आप मल्टीपल मैक्रो बना सकते हो राइट। तो आपको जो मैक्रो रन करना है उस पर डबल क्लिक करोगे या सिलेक्ट करके रन पे क्लिक करोगे, तो आप जैसे इसको रन करोगे आप देखोगे आपके सामने इसने मैक्रो रन किया और आपके सामने रिजल्ट दे दिया विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड राइट। फास्ट काम करता है, आप पे काम को ऑटोमेट कर सकते हैं। बटन टा यूज करिवा, से बटन टा को प्रेस करले हमको मैक्रो टा शो करियो, हाउ टू रिकॉर्ड ए मैक्रो बटन। फ्रेंड्स, हम मैक्रो बना चुके हैं, हम लोगों को मैक्रो बनाना आ गया, रिकॉर्ड करना आ गया राइट। लेकिन अब हमें क्या करना है, उसके अंदर हमें उसको रन करने के लिए एक बटन क्रिएट करना है। तो मैक्रो रन करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं राइट। एक जो मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि आप मैक्रो में जाके फॉर्मेटिंग डेटा डबल क्लिक रन कर सकते हैं, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि आप मैक्रो को रन करने के लिए बटन क्रिएट कर सकते हैं राइट, बटन क्रिएट कर सकते हैं। कैसे होगा मैं दिखाता हूँ। सबसे पहले रो डेटा जो है मैंने उसको कॉपी किया और उसको मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया राइट, रो डेटा को कॉपी किया यहाँ पेस्ट कर दिया। अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर एक बटन क्रिएट करना है जिस पर मैं क्लिक करूंगा तो ये मैक्रो रन होगा राइट। तो मुझे क्या करना है फ्रेंड्स, कोई भी एक शेप जो आपको अच्छी लगे वो शेप आप इंसर्ट कर सकते हो। लाइक मैंने ये शेप इंसर्ट कर लिया, ये वाली, आपको जो शेप अच्छी लगे वो आप शेप इंसर्ट कर सकते हो राइट। आप चाहो तो फ्रेंड्स कोई आपको पिक्चर है, लोगो है राइट, वो आपको चाहते हो कि वो यहाँ पर दिखे, और आप जब कोई उस पर क्लिक करे तो मैक्रो रन हो जाए, तो वो भी पॉसिबल
पहले आप अपनी इस पिक्चर को इंसर्ट कर लो या कॉपी पेस्ट कर लो यहाँ पर, या लोगों को इंसर्ट कॉपी पेस्ट कर सकते हो राइट। उसके बाद क्या करना है मुझे, मुझे जैसे मैंने शेप ली है तो मैं शेप को थोड़ा फॉर्मेट कर देता हूँ सो डेट थोड़ा सा अच्छी दिखेगी। तो शेप फॉर्मेट में जाके शेप फिल मैं कलर चाहूँ तो चेंज कर सकता हूँ, लाइक नई वाला कलर चूज कर लेता हूँ। एंड देन शेप इफेक्ट आउटलाइन वगैरह चेंज करनी है वो आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से। इफेक्ट्स वगैरह लेने तो मैं ये वाला एक बटन ले लेता हूँ, इसको थोड़ा सा 3D इफेक्ट आ जाएगा, देखो 3D इफेक्ट आ गया। मैं इसके अंदर कुछ लिख देता हूँ लाइक स्टार्ट फॉर्मेटिंग, मैंने इसके अंदर लिखा स्टार्ट फॉर्मेटिंग, टेक्स्ट को सिलेक्ट किया और मैं इसको सेंटर लाइन कर दिया, सेंटर लाइन कर दिया टेक्स्ट को। मैंने फॉन्ट का स्टाइल चेंज करना है या कुछ मेरे को अपने हिसाब से दिखाना है तो वो मैं कर सकता हूँ। मैं फॉन्ट के साइज को बढ़ाना चाहता हूँ, मैं फॉन्ट के साइज को भी थोड़ा सा बढ़ा सकता हूँ राइट, इस तरह से मैं कर सकता हूँ। फॉन्ट का कलर चेंज करना है मैं वो भी कर सकता हूँ राइट। तो ये थोड़ा सा एक बटन अब अच्छा सा लग रहा है, 3D फॉर्मेट आ रहा है। अब मुझे फ्रेंड्स क्या करना है, अपने मैक्रो को रन करना है, बट मैं जब इस पर क्लिक करूंगा तो कुछ नहीं होगा अभी क्योंकि मेरा मैक्रो अभी इससे कनेक्टेड नहीं है। तो आपको क्या करना है, शेप को सिलेक्ट करना है और अगर आपने कोई फोटो इंसर्ट किया, लोगो इंसर्ट किया तो आपको उसको सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करके आपको क्या करना है, यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा असाइन मैक्रो, आप असाइन मैक्रो पर क्लिक करोगे। असाइन मैक्रो पर जब क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको लिस्ट नजर आएगी जितने भी मैक्रो इस फाइल में आपने क्रिएट किए, आपने एक से ज्यादा क्रिएट किया आपको एक से ज्यादा नजर आएंगे। जो आपको रिक्वायर्ड मैक्रो है, जो कि आप चाहते हो कि इस बटन को रन करने से रन हो, इस बटन को क्लिक करने से रन होना चाहिए, तो आप उसको सिलेक्ट करोगे लाइक दिस, फॉर्मेट डेटा राइट ओके। अब उससे होगा क्या, देखो क्या होगा इससे, फॉर्मेट डेटा। अब देखो इस पे मैं जब जा रहा हूं तो इस पे मुट्ठी बनी हुई आ रही है राइट, मुट्ठी बनी हुई आ रही है, मुट्ठी बनी आ रही है मतलब अब इस पे क्लिक करूंगा तो कुछ होगा, कुछ रन होगा। क्या रन होगा, जो मैंने मैक्रो बनाया वो रन होगा। अब चलो इस पे क्लिक करके देखते हैं, रो डेटा मेरा ये है स्टार्ट फॉर्मेटिंग, मैंने जैसे क्लिक किया सी ये मेरा बटन इधर है और ये मेरा डेटा फॉर्मेट हो गया राइट। कितना फास्ट इसने मेरे डेटा को फॉर्मेट किया। तो आप इस तरह से बटन क्रिएट कर सकते हैं मैक्रो रन करने। ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆସି ନେଇଯିବ ସେଣ୍ଟର୍ରୁ।